हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें मैंने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बताई हैं जो भी हैं बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जाननी। तो वीडियो को ध्यान से देखें बिकॉज एग्ज़ाम्स में आपने इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में क्लिक कर लें बेल आइकन पर, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, तभी आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। तो मैं पहले आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो बता देती हूँ। तो जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे? जो तो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिट कार्ड्स कॉलेज से मिलेंगे, यानी कि आप कॉलेज से वाले प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को कॉलेज प्रोवाइड करेगा जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट्स फिर वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम का टाइम है तो पेपर आपको अपने टाइम से 20 मिनट पहले मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बीए का पेपर 9 से 11 बजे है तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है 8:40 पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको 2 घंटे पेपर सबमिट करने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सारा टाइम है। तो आराम से करें और आराम से सबमिट करें। तो ये पेपर आपको करना कहाँ पे है? A4 शीट पर करना है। लाइंस वाली शीट आती है A4 साइज़ की, आप उसी पे करें, वहाँ पे आपको करना भी इजी होएगा और हैंड राइटिंग भी अच्छी आएगी। तो मैक्सिमम आप 12 शीट्स यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम तो आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि आपको एक ही साइड पर लिखना है, यानी कि अगर आप इस शीट पर लिख रहे हो तो इस शीट की बैक साइड आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप अगली शीट पर अपना काम करोगे, फाइन। तो एक और बात कि आपको ब्लू पेन ही यूज़ करना है, इसके अलावा ना तो आपको पेंसिल यूज़ करनी है, ब्लैक पेन कुछ नहीं यूज़ करना, सिर्फ ब्लू पेन से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और 50% पेपर आपको अपना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको पेपर आता है पहले से ही, वैसे ही आपको पेपर आएगा, तो वो आपको 2 घंटे में करना है। सपोज आपको जैसे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जैसे आपके सपोज कीजिए कि आपके 45 मार्क्स का कोई है, तो आप ये मत सोचो कि आपने सिर्फ इसको पूरा हाफ से डिवाइड करना है। तो अगर आप 25 मार्क्स का पेपर भी कर देते हो, ठीक है, तो वो भी आपका 50% ही माना जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी मार्किंग ज़रूर देख लें। तो नेक्स्ट है कि आपने अपलोड कैसे करना है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज की ईमेल है वहाँ पे अपलोड करेंगे, और प्राइवेट स्टूडेंट्स भी कॉलेज की ईमेल पर भी कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हो। जो इसकी बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको दिखा दूंगी, फाइन। तो जब आपने अपलोड करना है पेपर तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी सबसे पहली शीट जो आप अपलोड करोगे वो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारी शीट्स जो हैं आपकी सीक्वेंस ऑर्डर में आप अपलोड कर सकते हो PDF बनाकर। तो PDF का सबसे पहला पेज वो होना चाहिए एडमिट कार्ड। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अब देखिए कि जो आपकी आंसर शीट्स होंगी लाइंड वाली, उस पर आपने लिखना क्या है। सबसे जो आपकी पहली शीट होगी जिस पे आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 1 है जैसे, तो उस पर आपने ये लिखना है यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है पहले इन वर्ड्स आपको लिखना है, साथ ही में ब्रैकेट में डालकर उसको इस तरह से नंबर्स में लिखना है। देन आपको लिखना है अपना नाम, फिर आपका कौन सा पेपर है, ठीक है, फिर टोटल पेजेस। सपोज आपका जो पेपर है वो 9 शीट्स में कवर हुआ है तो आप यहाँ पे टोटल पेजेस आप यहाँ पे 9 लिख दोगे कि 9 पेजेस टोटल लगे हैं, ठीक है। तो जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, एंड देन आपकी जो क्लास है वो आप यहाँ पे लिखोगे विद सेमेस्टर। तो ये जो कोड है पेपर का ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पे आपने करने हैं अपने सिग्नेचर्स, और यहाँ पे लिखना है आपका जो करंट पेज नंबर है, जैसे ये 1 है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फर्स्ट पेज पर लिखनी है। जो बाकी सारे पेजेस हैं वहाँ पे आप सिर्फ अपना जो रोल नंबर है, ठीक है, अपना रोल नंबर, नेम और पेज नंबर, ये 3 चीज़ें आप बाकी सभी पेजेस के टॉप पर लिख दें, फाइन। तो इसको अपलोड कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी,
आप वहां से देख लें, बिल्कुल आसान है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे हैं आपके पास पेपर करने के लिए और उसके बाद 2 घंटे और हैं कि आप उसको अपलोड कर सकें। एक फैसिलिटी और है आपके पास कि अगर आप क्वेश्चन पेपर अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप उसको सीड पोस्ट करवा सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज जो आपके पास कॉलेज हो कोई भी, तो उसको आप वहाँ पर जाकर सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तो बाकी आप जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वो दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।